डोसा इडली की चटनी यानी दही नारियल की चटनी आज मैं दो तरीके से बताऊंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ, उसमें चने की दाल 2 चम्मच, 2 चम्मच मूंगफली का दाना, 2 साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता। अब इसको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूंगी। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करूंगी, इसमें अच्छी सी एक खुशबू आ रही है। अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसको एक बाउल में मैं निकालूंगी। पानी के साथ इसको भिगो के रख दूंगी सोक करने के लिए। आधे घंटे बाद मैं इसको पीसूंगी। इसको मैंने सोक करने के लिए रख दिया है। तब तक यहाँ मैं ये कच्ची नारियल यानी गोले को मैं कद्दूकस कर लूँगी या तो छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। कद्दूकस करने से ये फ़ायदा कि ईजी से पीस जाएगा। ये हरी नारियल यानी कच्ची नारियल को गोले को मैंने कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद मिक्सी की हेल्प से अब इस नारियल को मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। साथ में ये सूखे हुए चने की दाल, मूंगफली, रेड चिली और कड़ी पत्ता, 2 अदरक के यानी जिंजर पीस, काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा रोस्टेड जीरा पाउडर, दही की हेल्प से मैं पीस लूँगी। अब ये चटनी पीस गई है। अब इसको करना क्या है अब ये देखिए। सबसे पहले मैं इस बाउल में इस चटनी को इस तरह निकालूंगी। दही के हेल्प से मैंने इसको पीसा था। अब इसे आधी चटनी को मैं इस तरह निकाल लूंगी। अब दूसरा मेथड देखिए, इसी चटनी में मैं कोरिएंडर लीफ यानी धनिया की पत्ती को अच्छे से धुल के काट के रखा था, थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप टेस्ट भी कर लीजिएगा, अगर टेस्ट नमक कम लगता है तो और डाल दीजिएगा, हरी मिर्च। अब इसको मैं फिर से पीस लूंगी। ये दूसरी चटनी भी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू है। अब इसको क्या करना है, अब इसको देखिए आगे क्या करना है। मैंने तड़का पैन लिया है। तड़का पैन में मैंने कोई भी ऑयल यानी घी डाल दिया है। अब जब तक ये घी गर्म हो रहा है, मैं 1 ग्रीन चिली को इसको 2 भाग में काट लूंगी। इस तरह भी इससे मुझे काटना है। अब इसको मैं इस ऑयल में डाल रही हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, साथ में थोड़ा सा हींग। हींग की खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये फायदा भी करता है। साथ में कड़ी पत्ता, राई यानी मस्टर्ड सीड्स, ये मस्टर्ड सीड अच्छे से चटक गए हैं, मिर्च भी अच्छे से भुन गई है। अब गैस ऑफ कर रही हूँ। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब ये तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसे चटनी को फ्राई करूंगी। ये चटनी तो मार्केट से भी टेस्टी है, आप इसे एक बार जरूर बनाएं। और इसको ढोकले के साथ, इडली के साथ, डोसे के साथ, गर्मा गर्म आलू के पराठे के साथ कैसे भी खाएं। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मैं ऋचा गुप्ता अगले फ्राइडे को एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। बाय बाय।